नमस्कार दोस्तों, एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल एक बार फिर से आप सबके सामने पेश हूँ आपकी एनटीए नेट के कुछ वीडियोस लेके। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन 2012 से आपकी सेवा में प्रयासरत है। हम एक डेडिकेटेड फिलोसफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, जैसे कि अभी हमने जब वेस्ट बंगाल सेट का रिजल्ट आया तो उसमें दर्शन शास्त्र के अधिकांश बच्चे हमारे ही संस्था से निकलकर बाहर गए हैं। तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस प्रकार के खबर देते हैं, इस प्रकार की न्यूज हमें देते हैं। तब तो इसी तर्ज पर नेट के लिए 1 तारीख से नया बैच बन रहा है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, जैसी आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार की तकनीक से। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा दी जाती है। जिस प्रकार का टेस्ट आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करते हैं, उस प्रकार का टेस्ट। तो शुरू करते हैं इसी तर्ज के ऊपर। ये एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इस प्रकार का वीडियो मिलेगा। इसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस किया करेंगे, प्रश्न उत्तर की चर्चा किया करेंगे, ताकि आप इससे ये चीज सीख सकें कि प्रश्न किस प्रकार से डिसाइड होते हैं एनटीए नेट के अंदर। स्क्रीन पर देखिएगा, आप अगर चाहें इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए, आप अगर चाहें इस प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए, हमसे टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, तो आप सभी हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप अगर टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन डालेंगे तो आपको हमारी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन टेस्ट पेपर ज्वाइन करना है जो लाइव होता है, ठीक है, ये डेली तर्ज पर 10 या 20 प्रश्नों का होता है और हफ्ते या 15 दिन के बाद एक फुल टेस्ट का प्रावधान हमने किया हुआ है। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी नेट, यूपीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स के हमारे सिलेबस चलते हैं। तो एनटीए नेट की तर्ज पर आज के कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने। पतंजलि के योग दर्शन में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। सही अनुक्रम का आपको चयन करना है। द करेक्ट सीक्वेंस कौन कौन सी है? यम, पहला है नियम, यम प्राणायाम आसन और प्रत्याहार, दूसरा है यम नियम प्राणायाम आसन और प्रत्याहार, तीसरा है यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, चौथा है आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम और नियम। 2 मिनट का वीडियो पॉज कीजिएगा और उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर है आपका सी, यम नियम आसन। ये 3 तो बच्चों को याद रहते हैं। कंफ्यूजन कहां पर आती है, पहले प्रत्याहार आएगा या पहले प्राणायाम आएगा? ध्यान रखिएगा, आसन पर विराजमान होने के बाद सबसे पहले जो प्रतिक्रिया की जाती है वो है प्राण वायु के ऊपर नियंत्रण। कुंभक, रेचक और पूरक विधि से आपकी जो प्राण वायु है उस पर नियंत्रण किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है। जब आप प्राण वायु पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इसके बाद प्रत्याहार किया जाता है। तो पहले प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सांख्य योग के अनुसार पुरुष क्या है? चेतन और सक्रिय, चेतन और जड़, अचेतन और सक्रिय, अचेतन और जड़। ठीक है, अब सांख्य दर्शन की बात की जा रही है। यहां पर सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति और पुरुष के 2 कंसेप्ट हम सभी ने पढ़े हैं। एक तरफ प्रकृति आती है और एक तरफ पुरुष आता है। प्रकृति के अंदर हमने देखा है, प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, लेकिन प्रकृति फिर भी जड़ात्मक है।
पुरुष के अंदर ये तीनों गुण नहीं है, पुरुष के अंदर केवल चेतना है, लेकिन पुरुष फिर भी निष्क्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रकृति है वो जड़ात्मक तो है, लेकिन प्रकृति को सक्रिय माना गया है, लेकिन पुरुष को निष्क्रिय माना गया है। चूंकि यहां चेतन के साथ निष्क्रिय शब्द नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, यहां अचेतन और सक्रिय ये भी नहीं हो सकता, अचेतन और जड़ ये भी नहीं हो सकता, तो सबसे सटीक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, वो चेतन है और जड़ भी है। यहां जड़ का मतलब निष्क्रियता से है। इस प्रकार का अगर ऑप्शन आए तो कंफ्यूज ना हो कि ये गलत क्वेश्चन है, हमें कई बार अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक सांख्य के अनुसार प्राकृतिक सत्ता के लिए एक सही कारण नहीं है। भेदानाम परिमाणातः, समन्वयातः, भोक्तृभावातः, कारण कार्य विभागातः। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जाकर बताइएगा ताकि आपको समझ में आए प्रश्न क्या है। भेदों के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो प्रकृति की सत्ता मुझे समझ में आती है, इतने सारे भेद प्रकृति के अंदर दिखाई देते हैं, इतने सारे चीजें दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की सत्ता को मैं यहां से सिद्ध कर सकता हूं। समन्वय भी एक दिखाई देता है, कारण कार्य का संबंध भी दिखाई देता है, तो क्या दिखाई नहीं देता? भोक्तृभावात्। ठीक है, कमेंट में तो चलिए छोड़िए, इसका आंसर है भोक्तृभावात्। सांख्य के अनुसार मुक्ति का अभिप्राय क्या है? जीवन से मुक्ति, देह से मुक्ति, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। सांख्य दर्शन, प्रकृति और पुरुष, ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन में सृष्टि का मतलब है जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो यहां से जगत की रचना की जाती है, जगत की कल्पना की जाती है, और जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं तो इसको विनाश माना गया है, इसको मुक्ति माना गया है, जब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं तो ये जीवन की मुक्ति भी है और विदेह की मुक्ति भी है, क्योंकि जीवन समाप्त है और देह भी छोड़ दी गई है। तो आंसर हो गया सी। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र, विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र। योग दर्शन में चित्त की अलग अलग भूमियां बताई गई है। योग दर्शन में पांच प्रकार की चित्त भूमियों की कल्पना की गई है, जिसकी शुरुआत क्षिप्त अवस्था से होती है और जिसका अंत एकाग्रता पर होता है, सॉरी एकाग्रता के बाद आता है निरुद्ध, निरुद्ध अवस्था पर इसका अंत होता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये सभी चेतना के ऊपर आधारित है, ये सभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अवस्थाओं पर आधारित है। इस प्रकार ऊर्जा का जब संचालन शरीर में होता है, इस प्रकार जब चेतना को कंट्रोल में किया जाता है, तो ये पांच तरह की अवस्थाएं दिखाई देती है। क्षिप्त से निरुद्ध की अवस्था, क्षिप्त से निरुद्ध की अवस्था, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। यहां कंफ्यूजन होती है कि सर विक्षिप्त तो क्षिप्त और मूढ़ के बीच की अवस्था है, लेकिन ऐसा पतंजल के योग सूत्र में नहीं है। पतंजल के योग सूत्र में लिखा हुआ है क्षिप्त, क्षिप्त के बाद मूढ़ अवस्था, मूढ़ के बाद विक्षिप्त अवस्था। अब विक्षिप्त अवस्था के गुण इस प्रकार के हैं कि वो ना तो क्षिप्त है ना वो मूढ़ है, तो कई लोग कहते हैं कि विक्षिप्त जो है इनके मध्य की अवस्था है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। इसके गुण ऐसे हैं कि ना तो क्षिप्त जैसी है ना ये मूढ़ जैसी है। कुछ लोग कहते हैं आधी क्षिप्त है आधी मूढ़ है, लेकिन आपके पतंजलि के योग सूत्र में ऐसा नहीं है, वहां क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्थाओं की बात की गई है। तो आपका आंसर हुआ बी। योग में पांच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, राग, अस्मिता, अविद्या, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश, राग, अस्मिता, अविद्या, द्वेष। ध्यान रखिएगा, क्लेश का सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है उसका नाम है अविद्या।
क्लेश की शुरुआत ही अविद्या से होती है। तो सबसे पहला क्लेश होगा अविद्या। आंसर आप ढूंढ सकते हैं। अब पहला स्थान पर जहां अविद्या लिखी हुई है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ऑप्शन ए। सिंपल, ये चोर रास्ते हैं। हमेशा आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अविद्या और अस्मिता फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन मुझे तीन का सीक्वेंस नहीं पता। तो कई बार लक ऐसा हो जाता है कि आंसर में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होता है। तो स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। किसकी गणना चित्तवृत्ति के अंतर्गत नहीं होती है? चित्तवृत्ति मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाना पड़ता है, हमारे चित्त को कहीं ना कहीं इस जीव जंजाल में फंस जाना पड़ता है कि मैं शायद प्रकृति हूं। तो वो कैसे कर सकता है? स्मृति, हाँ स्मृति से ऐसा होता है, विपर्य से भी शायद ऐसा हो सकता है। प्रमाण, प्रमाण तो सबसे प्रमुख स्रोत है इसका। वितर्क नहीं, तर्क वितर्क तो अलग चीज है, तर्क वितर्क तो बाद में आते हैं, यहां चित्तवृत्ति में इसका उपयोग नहीं किया गया है। सांख्य दर्शन की प्रकृति क्या है? अचेतन और आश्रित, चेतन और निष्क्रिय, अचेतन और सक्रिय, चेतन और स्वतंत्र। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये जड़ात्मक तो है, मतलब ये अचेतन तो है, लेकिन ये सक्रिय है, तो ये अचेतन और सक्रिय है। नायन, सही क्रम का चयन कीजिए। वापिस से वही प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। निरुद्ध, एकाग्र, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त। आंसर है ए। ठीक है, दसवां, निम्न में से कौन सा पतंजलि के योग से संबंध में सही नहीं है? ईश्वर पुरुषों में एक है। पतंजलि योग तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है। पतंजलि योग एक तत्ववाद का समर्थन करता है। पतंजलि योग पूर्व नैतिक प्रशिक्षण को स्वीकार करता है। ईश्वर पुरुषों में एक है, ठीक है मैं मान सकता हूं। तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है, ठीक है। एक तत्ववाद, एक तत्ववाद ना, ये तो प्रकृति को भी मानता है और पुरुष को भी मानता है भैया, ये तो द्वैतवादी दर्शन है। तो आंसर सी हो गया, आंसर हो गया सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हमने वो चर्चा किया है, वो डिस्कस किए जो पिछले सालों में आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो योग और सांख्य दर्शन से पूछे जाते हैं। अगर आप इनका अध्ययन करते हैं तो मान के चलिए आप कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो। दूसरी बात, जब एक प्रश्न किया जाता है तो उसके आधार पर चैप्टर का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, जो आपने पढ़ा है उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। तो केवल प्रश्नों को सही और गलत करके तय ना करें। एक प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं, एक प्रश्न का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, तो कोशिश करें उस प्रश्न के सारे डायरेक्शंस को चेक किया जाए, क्योंकि ये रिवीजन होता है आपका। ठीक है, तो आज्ञा चाहूंगा आप सभी से, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।